अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम स्टेट में पढ़ेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का दाखला नंबर 3। दाखला नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके थे, अभी यहाँ पर दाखला नंबर 3 पढ़ेंगे। रकम मैंने दूंगी यहाँ पर, एक वाली बात पसंद कर ला ऐसी विद्यार्थियों ने उम्र नीचे ना पुस्तक में आप देख लो। उम्र दी हुई है यहाँ पर 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम एफ बोलेंगे, अमाउंट एफ बोलेंगे, तादाद 11, 14, 22, 15, 8, 6 और 4। हमको यहाँ पर ढूंढना क्या है, विद्यार्थियों की उम्र नो मध्यस्थ शोधो, उपरांत उम्र माटे Q1, D4 अने P32 पण शोधो, तेमनुं अर्थघटन करो। Q1 ढूंढना है, D4 ढूंढना है और P32 भी यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाखले को स्टार्ट करेंगे। अब CF की कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पर 11, 25, 47, 62, 76 और 80। n = 8। यहाँ पर हमको क्या क्या ढूंढना है, मध्यस्थ के दाखले में सबसे पहले मध्यस्थ तो हमको कंपल्सरी ढूंढना ही होता है। उसके बाद ढूंढना है हमको Q1, उसके बाद ढूंढना है हमको D4, उसके बाद क्या ढूंढना है P32। चार चीजें हमको यहाँ पर ढूंढनी है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे n, यहाँ पर जमात वाली संख्या नहीं है, जमात नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर दाखला लगाएंगे n+1/2। n कितने हैं, 80। n की टोटल दिया हुआ है 80+1/2। 81 के छेद में 2, 40.5। 40.5 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है CF की कॉलम में। इसके सामने क्या दिया हुआ है, m = 19 मा अवलोकनी कीमत, हो गया इसका आंसर। अब ढूंढेंगे हम दूसरा Q1 ढूंढना है हमें यहाँ पर। Q1 का जाता है n+1/4। n की कीमत है 80+1/4, 81 के छेद में 4, 4 2 8, 0, 4 2 8, 20 point, यहाँ पर आंसर आएगा 20.81/4 का आंसर आएगा 20.25। ये कहाँ जा रहा है, 20.25 यहाँ पर जा रहा है CF की कॉलम में देखेंगे तो Q1 हमारे को कितना मिलेगा, Q1 = 18 अवलोकनी कीमत। उसके बाद है नंबर 3, 3 में हमको ढूंढना है D4, यानी n+1 के अपॉन में 10, और ये जो चार्जे को यहाँ रखें, बताया था मैंने पहले आपको जो 4 की कीमत है वो कॉम्स के बाहर लिखी जाती है, D1, P1, P4, P32, जो साइड पर जो नीचे कीमत लिखी होती है वो कॉम्स के बाहर लिखी जाती है, और 10 के अंदर रकम होती है तो उसे दशांश बोला जाता है, तो अपॉन में 10 लिखा जाता है, और 100 के अंदर रकम होती है तो उसे शतांश बोला जाता है और अपॉन में 100 लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर 80+1 यानी 81 डायरेक्ट लिखेंगे हम अपॉन 100। 4, 8+1 8 4 32, 4 1 4 32.4 माँ 32.4 कहाँ जा रहा है, ये अब हमको ढूंढना है। 32.4 यहाँ जा रहा है वापस से, तो D4 = 19
टू नी। 32 काउंट्स के बाद लिखेंगे n प्लस 1 अपन यहाँ पर 100 लिखेंगे क्योंकि 100 के अंदर की कीमत है। अब यहाँ पर रकम लिखनी है 32 81 के छेद में 100 32 0.81। इसको जब करेंगे 32 से जब करेंगे 0.81 जब 32 तो आएगा 25.92। 25 की रकम कहाँ जा रही है यहाँ पर 25.92। अब यहाँ पर ऐसा है 25 की रकम यहाँ जा रही है लेकिन 0.92 यानी इसके और इसके बीच की रकम है 25 की और 47 के बीच की रकम है। 25 तो यहाँ पर जा रहा है 18 पर और 0.92 एक्स्ट्रा में है तो इसकी कीमत कितनी होगी 18.92। 0.92 एक्स्ट्रा में आ गया है तो इसकी कीमत होगी 18.92। हो गया यहाँ पर दाखिला नंबर 3। अब दाखिला नंबर 4 करेंगे हम यहाँ पर। दाखिला नंबर चार की रकम लिखूंगी अपने यहाँ पर 5 के तेल की वधु, 10 के वधु, 15 के वधु, 20 के वधु, 25 के वधु और 30 के वधु से ज्यादा वाला आवृत्ति वितरण यहाँ पर दिया हुआ है। और हमको क्या करना है असल तादाद का वर्जन यहाँ पर लिखना है 106, 76, 31 और 12। तो अब यहाँ पर हमको असल जमात बनानी है और उसकी असल तादाद बनानी है और उसके बाद सीएफटी कोला बनानी है। जमात बनाएंगे हम 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 30 के तेजी वधु तक लेके जाना है 25 से 30 और 30 की वधु। अब यहाँ पर हम इसके नीचे से लिखते जाएंगे 30 के तेजी वधु, 30 से ज़्यादा वाले कितने हैं 12, 12 और 31, 31 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 12, 12 दो 24, 24 और 19 बचेगा यहाँ पर, 76 में से 31 जाएंगे, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 7 यहाँ पर बचेगा, 4, 106 में से 76 जाएंगे तो 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 30 और उसके बाद 117 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 11 और यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, माइनस करते जाएंगे हम उससे ज़्यादा वाला आवृत्ति वितरण यहाँ पर दिया हुआ है तो उससे ज़्यादा वाला आवृत्ति वितरण के लिए हम यहाँ पर इसकी रकम को, ये पहले 12 दिया हुआ है, 12 31 में से 12 माइनस करेंगे, 76 में से 31 माइनस करेंगे, 106 में से 76 माइनस करेंगे, 117 में से 106 माइनस करेंगे, 120 में से 117। जो सेकंड चैप्टर में हम ये तादाद बनाना सीख चुके थे अब इसको सी है प्लस करते जाना है, प्लस 14 प्लस 24 34 44 प्लस इस तरह से नहीं होगी 82 प्लस 89 और 19 199 108 और ये 120। ये हमारी असल तादाद बन गई है। पहले तो हमने जमात बनाई 5 की वधु 10 की वधु तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से ज़्यादा। 120 में से 117 माइनस करते तब भी 3 आता, नीचे से माइनस करते जाते बड़ी रकम में से छोटी रकम अगर माइनस करते जाते तब भी ये आंसर आता और ऊपर बड़ी जो रकम दी गई 120 में से 117 इस तरह माइनस करते जाते तब भी यही रकम आती। अब इसके बाद ये सारी सी एफ की रकम सी एफ की कॉलम बनाने के लिए इसके बाद वाली कॉलम को प्लस कर देगा। अब क्या करना है हमको, मध्यस्थ का दाखला है तो हमको एम तो कंपल्सरी ढूंढना ही। उसके बाद क्या करना है, सौथी वधु को एकल धरावता 20% कर्मचारी का वेतन न्यूनतम सीमा में हो। सबसे पहले हम एन ढूंढेंगे, एन अपॉन टू, एन की कीमत दी हुई 120 अपॉन टू यानी 60, एन इज इक्वल टू 60।
m की जमात 20 से 25 होगी, m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन रू माइनस सी एम अपॉन f जर्ब c। यहाँ पर 20 n अपॉन टू 60 दिया हुआ है और सी एम इसके ऊपर वाले कॉलम को सी एम बोलते हैं और इसके सामने वाली कॉलम को f कहा जाता है। सी एम की कॉलम में दिया हुआ है 44, f की कॉलम में दिया हुआ है 45 और इसके बीच में जमात के बीच का फासला, वर्ग लंबाई जमात के बीच का फासला दिया हुआ है 5। जब यहाँ पर 20 बराबर 60 में से 44 माइनस हो गए तो बचेगा 16 मल्टीप्लाई 5 50 के तकसीम में 45 एसी के तकसीम में 45 एसी तकसीम में 45 1.78 20 प्लस 1.78 तो आंसर आएगा 21.78। ये हमको m की कीमत मिली है। m हर दाखले में चतुर्थक के दाखले में आपको कंपलसरी m ढूंढना ही होता है। अब यहाँ पर सबके वधु वेतन धरा का 20% कर्मचारी है। अब जैसे कि यहाँ पर एक m की कॉलम m की कीमत मध्यस्थ कीमत होती है, यहाँ पर एक चतुर्थक Q1 है, एक चतुर्थक है Q3, ये यहाँ से इतना Q1 है, ये बीच की रकम है वो m है और उसके बाद की जो रकम है वो Q3 है। अब यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 100% नंबर्स होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सौथी वधु वेतन धरा का, सौथी वधु यानी Q3 वाले वेतन धरा का 20% कर्मचारी। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 सबसे ज़्यादा 20% वेतन धराने वाले, यानी 10, ये 10 और ये 20, टोटल कितना हुआ 80। यहाँ पर 20% कर्मचारी सौथी वधु वेतन धराता 20% कर्मचारी ना वेतन न्यूनतम सीमा में हो तो यहाँ पर लास्ट वाले सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले 20% कर्मचारी कितने हो गए 80%। तो यहाँ पर PEAT लिखना है, PAT इसका जाप्ता है 89+1/100। नाइन प्लस वन जमात दी हुई है इसलिए हम सिर्फ 9 लिखेंगे, जमात नहीं दी हुई होती तो हम 9n+1 लिखते हैं, n+1/100 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जमात दी हुई है इसलिए हम सिर्फ n लिखेंगे। n की कीमत दी हुई है 120/100 1.2 80 ज़र्ब 1.2 अवलोकन की कीमत जा रही है, यहाँ पर छन्नू में अवलोकन की कीमत सी एफ में ढूंढनी है, 108 में जा रही है, तो छन्नू में अवलोकन की कीमत 108 में जा रही है। हम यहाँ पर जमा लिखेंगे 25 से 30 वाला L+N/100 और यहाँ पे लिखना है 80+- सी एफ के तकसीम में एफ जर्ब सी। एल की कीमत कितनी दी हुई है 25, यहाँ पर 96 - CF 108 के ऊपर 89 और F दिया हुआ है 90। जर्ब सी यानी वर्ग लंबाई 19 दी हुई है। अब इसके बाद हमको दाखला यहाँ पर करना पड़ेगा, बाकी का दाखला अब हम यहाँ पर करेंगे। प्लस 96 में से 89 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 96 में से 89 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ज़र्ब 5 के तकसीम में 19। 25 + 7 = 35 के तकसीम में 19। तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा 35/19 1.84। 25
प्लस 1.84 का आंसर आएगा 26.84, 26.84। ये हमारा PAT का आंसर है 26.26.84। ये दो दाखले हमारे यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट दाखले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।